एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है विजिबल एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जो वल्नरेबिलिटी है आज की लैब की, वो अगेन जो है वो ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है। और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है? अटैकर बेसिकली इसको एक्सप्लॉइट करके यूज़र के टेबल पे एक्सेस लेगा और देन वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉलम्स को एक्सेस करेगा और उसमें से गेट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स को। और यही हमारी आज की लैब का गोल है, टू सॉल्व द लैब, के हमें एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में लॉगिन करना है और हमारी लैब सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट कर दें अपनी लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो वर्ब के थ्रू पास हो रही है और फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड एक्सेस द लैब। आज की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी कैटेगरी को एक्सेस करने के बजाय डायरेक्ट किसी एक प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं। इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं और रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो चुकी है, इसको रिपीटर में सेंड करते हैं एंड इंटरसेप्शन को ऑफ करते हैं और फर्दर इसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। रिक्वेस्ट को सेंड करके देखते हैं क्या रिस्पांस रिसीव होता है। हमारे पास राइट नाउ 200 का रिस्पांस है और हमारे पास कोई एरर नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। और अगर हम इसको अगेन हमारी जो तरीक़ाकार है, मेथड है कि चेक करें कि हमारी लैब जो है, एप्लीकेशन जो है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है या नहीं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। एक दफ़ा अपने नोट्स को भी देख लेते हैं। हमारे पास जो आज की लैब का गोल है वो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें रिट्रीव करवाना है एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल्स को। और देन जो हमारी टेस्टिंग में सबसे पहला स्टेप है वो हमें ये करना है कि क्या ट्रैकिंग कुकी पैरामीटर जो है वो वल्नरेबल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। तो इसके लिए हम एक सीक्वल करेक्टर इंजेक्ट करके देखेंगे ट्रैकिंग कुकी के आईडी के आगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है, जो कि एक मैथड है डिटरमिन करने के लिए इंजेक्शन अटैक हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है। और अगर हम अपनी इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्बोस फॉर्म में एरर जनरेट हुआ है, जो कि हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। और इसके अंदर हमारे पास क्यूरी भी हमारी जो है बैक एंड पे जो एग्जीक्यूट हो रही है वो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे रिसीव हुई है। तो अगर हम इस क्यूरी को नोट कर लें और देखें कि हमारे जो बैक एंड पे बेसिकली क्यूरी है वो ये जो है वो पास हो रही है, सेलेक्ट फ्रॉम ट्रैकिंग वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, हमारा आईडी ये है, एंड देन ये हमारे पास ये सिंगल कोट ऐड हुआ है और ये डॉट एक्सपेक्टेड जो करेक्टर है ये हमारे पास फर्दर क्यूरी जनरेट हो रही है और इसी की वजह से हमें एरर रिसीव हुआ है। तो अगर हम इसके यहाँ पे अपने कमेंट के सीक्वल करेक्टर को ऐड करें और होपफुली ये हमारी जो है फर्दर जो क्यूरी है इसको इग्नोर कर देगा और हमारे पास एरर रिसीव नहीं होगा। तो टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। आप देख सकते हैं हमारे पास अब 200 का रिस्पांस है एंड देयर इज नो एरर, हमारे पास राइट नाउ कोई एरर नहीं है। तो हमारी जो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे से डाउट था वो क्लियर हो गया है कि हमारी लैब जो है वो वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें गेट करना है एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को और इसके लिए डिफरेंट मेथड है और आज की लैब में हम कास्ट फंक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। बेसिकली कास्ट फंक्शन जो है ये कन्वर्ट करता है डेटा टाइप को टू एन अदर डेटा टाइप। तो इसी तरह हम आज की लैब में इसको यूटिलाइज करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे वल्नरेबल क्यूरी इंजेक्ट करके। बेसिकली हमारे पास आप देख सकते हैं कि सिंगल कोड जो है उससे एरर जनरेट हुआ है। तो इसी तरह हम सिंगल कोड से अपनी क्यूरी का स्टार्ट लेंगे और जो हमारे एक सिंगल कोड के बैक पे जो क्यूरी होगी वो हमारी ये ओरिजिनल क्यूरी होगी, ये यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल क्यूरी होगी और इसके आगे हम सिंगल कोड ऐड करेंगे और देन हमारे पास इस सिंगल कोड के दरमियान ये क्यूरी आएगी और देन फिर हमारे पास जो है वो सीक्वल कमेंट करेक्टर आएंगे। तो हम इसके दरमियान अपनी वल्नरेबल क्यूरी को है डिज़ाइन और मॉडिफाई करेंगे और इसको इंजेक्ट करेंगे, ये हमारी ओरिजिनल क्यूरी है।
अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक ओरिजिनल क्यूरी के अंदर जो अपनी वल्नरेबल क्यूरी को ऐड करना है वो ये है कि एंड जो है हमारे पास अपेंड कर रहा है इस क्यूरी को हमारी ओरिजिनल क्यूरी में, और यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या हो रही है क्यूरी में कि एंड ऐड करेगा और कास्ट का फंक्शन यूज़ करेगा जो कि डाटा टाइप को कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे सब क्यूरी यूज़ हो रही है सेलेक्ट की जो कि वन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा और एज एन इंटीजर जो है उसको कन्वर्ट करेगा यूजिंग कास्ट फंक्शन। तो अपनी इस जो क्यूरी है इसको इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। इसको रिप्लेस करते हैं इसके साथ और देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे कंट्रोल यू से और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, और हमारे पास 500 एरर रिसीव हुआ है इंटरनल सर्वर। अगर हम एरर की डिटेल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर है आर्गुमेंट ऑफ एंड मस्ट बी टाइप ऑफ बूलियन। हमारे पास जो ये हमारी क्यूरी है ये बूलियन टाइप में रिक्वायर है, ठीक है, और नो टाइप ऑफ इंटीजर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम वन इज इक्वल टू, जब इस क्यूरी को वन के इक्वल कर देंगे तो ये वन इज इक्वल टू वन जो कि ऑलवेज ट्रू होता है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और जो भी हम इसे रिट्रीव करवाने की कोशिश करेंगे वो रिट्रीव करवा देगा, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये वन वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, तो इस क्यूरी को इंजेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। रिप्लेस करेंगे देन अगेन इसको यू आर एल इनकोड करेंगे और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है और अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हमारी वो बूलियन के जो एरर की रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट अब हमें इसी अपनी वल्नरेबल क्यूरी जो हमने डिज़ाइन की है इसी की बेस पे जो कि हमने एरर भी अब कोई रिसीव नहीं हो रहा, इसी के अंदर हम अपना जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है लैब की कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र नेम के पासवर्ड को गेट करना है, ठीक है, उसके लिए हम पहले तो इसके अंदर सिंपली जो है सेलेक्ट करेंगे, अब वन की बजाय हम कहेंगे कि यूज़र नेम फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। और अगर हम राइट नाउ यहाँ पे लिमिट की ऑप्शन को ना ऐड करें तो क्या होता है, क्योंकि ये भी आपको इसके हवाले से अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि ये लिमिट की ऑप्शन यहाँ पे क्या काम कर रही है और ये एक इम्पोर्टेंट रोल को परफॉर्म कर रही है। अगर हम इसे रिप्लेस करके यूआरएल इनकोड करें और देखें कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, आप देखेंगे हमारे पास एरर रिसीव हुआ है, और नीचे चल के एरर वर्बोस में देखते हैं कि हमारे पास एरर क्या है। इसको रिप्लेस करते हैं और क्यूरी को यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन वही अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल स्टार्टेड एट द पोजीशन वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड कास्ट यूजर नेम फ्रॉम यू एज एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास रीज़न क्या आ रही है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बैकएंड में एक वैलिडेशन है जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कैरेक्टर हैं वो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं सेंड कर रहे, हमारे पास जो रेंज है एक्सपेक्टेड कैरेक्टर की वो उसके मुताबिक सेट नहीं है क्योंकि बैकएंड पे वैलिडेशन है। तो अगर हम इसके अंदर से ये हमारी जो ट्रैकिंग आईडी है इसके नंबर्स को रिमूव कर दें और देखें कि क्या हमारे पास फिर भी ये एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का एरर रिसीव होता है। एरर हमारे पास रिसीव हुआ है लेकिन और यस, यहाँ पे हमारे पास जो अब एरर रिसीव हुआ है हमारा जो पिछला एरर वो रिजोल्व हो चुका है और हमारे पास अब जो एरर है वो रिसीव हुआ मोर देन वन रो रिटर्न बाय अ सब क्वेरी यूजिंग एन एक्सेप्शन। तो अब इसे एक और चीज़ हमारे पास डिटरमिन जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म की थी कि लिमिट हमारे पास क्या रोल परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे यही रोल है लिमिट का कि अब ये जो एरर है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमने कहा है कि हमारी जो वन है वो इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यूज़र नेम को यूज़र टेबल में से सिलेक्ट कर रहा है जितनी भी रोज हैं उन सब में से, और हमें इसको लिमिट करना है जस्ट टू द वन रो
एन वन एंट्री। तो जब हम इस चीज़ को लिमिट कर देंगे तो हमारे पास ये एरर रिसीव नहीं होगा। इसको रिप्लेस करेंगे, देन इसको अगेन यूआरएल इनकोड, यूआरएल इनकोड करेंगे और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरर तो रिसीव हुआ है, लेकिन अब इस एरर के अंदर हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड जो रिक्वायरमेंट थी उसने हमें खुद ही उससे जो है एरर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया है कि जो फर्स्ट जो यूज़र नेम है फर्स्ट रो में वो एडमिनिस्ट्रेटर का है और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमें असल में इसका पासवर्ड गेट करना है ताकि हम लॉगिन कर सकें। तो हम अपनी इसी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ क्या चेंज करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स टेबल और लिमिट करेंगे इसको एक रो के लिए एंट्री के लिए और होपफुली कि हमें ये हमारा पासवर्ड रिट्रीव करके दे देगा। रिप्लेस करेंगे और इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं कि होपफुली हमारे पास हमारा पासवर्ड जो है वो रिट्रीव हो चुका है और इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और चलते हैं अपने होम पेज पे, माय अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड को पेस्ट करते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।